तो हम बात करते हैं डिमेंशिया की। डिमेंशिया ये दो तरीके का हो सकता है, इट कैन बी कॉर्टिकल, इट कैन बी सब कॉर्टिकल। तो जो कॉर्टिकल होता है उसके अंदर कौन कौन सी आती है डिमेंशिया के टाइप, अल्जाइमर आता है, फ्रंटो टेम्पोरल आता है जिसे पिक डिजीज भी कहते हैं, इसके अलावा क्रूट्सफेल्ड जेकब भी आता है कॉर्टिकल के अंदर। सब कॉर्टिकल के अंदर आता है पार्किंसन, हंटिंगटन, वेस्कुलर डिमेंशिया, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस और विल्सन डिजीज़। तो जो कॉर्टिकल डिमेंशिया होते हैं उसके अंदर हाई कॉर्टिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अप्रेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, एग्नोसिया हो गया। बात करें सब कॉर्टिकल डिमेंशिया तो उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं मोटर सिम्टम, जैसे कि ट्रेमर, अटैक्सिया, रिजिडिटी। अब बात करते हैं कि डिमेंशिया के इरिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से होते हैं, रिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से होते हैं। तो अल्जाइमर जो होता है वो एक इरिवर्सिबल कॉज होता है, जबकि अल्कोहल डिपेंडेंस एक रिवर्सिबल कॉज होती है। वहीं वेस्कुलर डिमेंशिया इरिवर्सिबल कॉज होता है, जबकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो होती है वो एक रिवर्सिबल कॉज होता है। हंटिंगटन, पार्किंसन इरिवर्सिबल कॉज होते हैं, लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो रिवर्सिबल कॉज होता है। इसके अलावा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस भी रिवर्सिबल कॉज होता है और न्यूरोसेफलस भी रिवर्सिबल कॉज होता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि एक एमाइलोइड एंजियोपैथी होती है। इसके अंदर टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेट होता है और एसिटाइल कोलिन के लेवल गिर जाते हैं। ये तीन बातें इसकी पैथोलॉजी के बारे में। अर्ली फाइंडिंग अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है मेमोरी लॉस। कौन सा मेमोरी लॉस, एंटेरोग्रेड मेमोरी लॉस। इसका मतलब क्या कि जो इमीडिएट रिकॉल है वो अफेक्ट होता है, जबकि डिस्टेंट मेमोरी जो होती है प्रिजर्व होती है। मतलब अभी जो इमीडिएट बात है वो हम वो अल्जाइमर पेशेंट वाला अल्जाइमर पेशेंट जो होता है वो भूल जाता है, लेकिन पुरानी जो बातें होती है वो याद होती है। तो इसी को कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनीजिया। ठीक है, इसके अलावा अर्ली फाइंडिंग के अंदर और क्या आता है, विजियो विजुओ स्पेशियल डेफिसिट्स, लॉस्ट इन ओन नेबरहुड। जो पेशेंट होता है वो अपने ही पड़ोस में गुम जाता है, अपने ही नेबरहुड में गुम जाता है ड्यू टू विजुअल स्पेशल डेफिसिट। अब हम बात करते हैं लेट फाइंडिंग की। तो लेट फाइंडिंग के अंदर आता है एपरेक्सिया। एपरेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म लर्न्ड मोटर टास्क। मतलब कोई एक ऐसी स्किल जो आपने सीख ली है, जैसे कि आपने बाइक चलाना सीख लिया है, लेकिन अब अगर आप भूल जाते हो, अगर आप बोलते हो कि मैं नहीं चला पा रहा हूँ, तो मतलब इट्स एपरेक्सिया। अब एक बात यह है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अल्जाइमर के अंदर जो डिप्रेशन होता है वो भी कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अल्जाइमर डिजीज़ की तीन फेजेस होती है। पहली फेज होती है असिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं होते हैं क्लिनिकली, लेकिन टिश्यू लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद आती है प्री डिमेंशिया फेज़। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर धीरे धीरे मेमोरी इम्पेयर होने लगती है। लास्ट में आती है डिमेंशिया फेज़। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस हो चुका होता है। इसके अलावा जो अदर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो भी धीरे धीरे लॉस हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो होती है एपिसोडिक मेमोरी, एक होती है सिमेंटिक मेमोरी। जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो रिलेटेड होती है इवेंट से, कि मेरा बर्थडे उस दिन था तो मैंने क्या किया था वगैरह वगैरह। सिमेंटिक का मतलब होता है मेमोरी विच इज़ एसोसिएटेड टू वर्ड्स, उसे कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी मेमोरी अफेक्ट होती है किसके अंदर। देखो तीन तरह की मेमोरीज होती है, इमीडिएट, रीसेंट और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले अल्जाइमर के अंदर रीसेंट, जो कि अभी अभी की बातें होती है, वो अल्जाइमर में इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले रीसेंट याद रखो, और अर्ली फाइंडिंग के अंदर एंटेरोग्रेड एमनीजिया याद रखो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि एमनीजिया के अंदर क्या होता है, जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरीज होती है वो प्रिजर्व होती है। तो इसके अंदर क्या भूल जाते हैं हम, इवेंट्स की मेमोरी चली जाती है, या जो सिमेंटिक फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल नंबर वर्ड्स, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई, मान लो कोई स्किल है, कोई हैबिट है,
तो वो इंटैक्ट रहती है एमनीसिया के अंदर, क्योंकि तो वो आती है नॉन डिक्लेरेटिव के अंदर, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। डायग्नोसिस की बात करें तो अल्जाइमर के अंदर हमें हिप्पोकैम्पल एट्रोफी देखने को मिलती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी बात क्या कि हमें देखने को मिलता है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर न्यूरो फिब्रिली फिब्रिली टेंगल्स, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूरो फिब्रिली टेंगल्स देखने को मिलते हैं हमको किसके अंदर, अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम जानते हैं कि इसके अंदर एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जिसके लिए निमोनिक एसिड ड्रग, डी से डोनापजिल हो गया, आर से रिवास्टिग्मिन हो गया, जी से गैलेंटामिन हो गया। इसके अलावा एनएमडीए एंटागोनिस्ट होता है ये, मेमेंटिन, एनएमडीए एंटागोनिस्ट मेमेंटिन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर्स। अब बात करते हैं वेस्कुलर डेमेंशिया, तो ये होता क्यों है, क्योंकि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है। तो जैसे स्ट्रोक आता है तो ये जो डिक्लाइन देखने को मिलता है, और ज़्यादा डिमेंशिया होता है, स्ट्रोक हुआ तो और ज़्यादा डिमेंशिया हुआ, तो इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, इसे पिक्स डिजीज़ भी कहते हैं। पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, एट्रोफी देखने को मिलती है हमें फ्रंटल लोब की और टेम्पोरल लोब की। इट प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 65, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर पहले क्या होता है, फ्रंटल लोब के सिम्टम देखने को मिलते हैं, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स अफेक्ट होता है, तो पहले वो सिम्टम देखने को मिलता है, उसके बाद में टेम्पोरल लोब अफेक्ट होता है जो कि एसोसिएटेड होता है किसे, मेमोरी लॉस से। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये, इसके अंदर भी क्या है, टाउपैथी देखने को मिलती है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज में देखने को मिलती है। अब देखो, पार्किंसन डिजीज़ और लेवी बॉडी डिमेंशिया दोनों में डिमेंशिया होता है। लेवी बॉडी डिमेंशिया में डिमेंशिया पहले होता है, पार्किंसन बाद में होता है, प्लस इसके साथ साथ इसके अंदर रिकरेंट विजुअल हेलुसिनेशन भी देखने को मिलती है। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एंटीसाइकोटिक्स नहीं दिए जाते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया में। पार्किंसन की बात करें तो पहले पार्किंसोनिज्म होगा, उसके बाद में डिमेंशिया होगा। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस का एक ट्रायड होता है, जिसके लिए 3 W याद रखना होता है, क्या, वेट मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वॉबली वॉबली मतलब गेट डिस्टर्बेंस, और वैकी वैकी का मतलब हो गया डिमेंशिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, वैकी का मतलब क्या हो गया, डिमेंशिया हो गया।